बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु जलकर पूरी तरह राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर जमीनी खतरों से बच नहीं पाए। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गया था, ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में वे धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच पाना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर लगभग सभी पेड़ पौधों की आबादी जलकर खाक हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, वे इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से लगभग कुल 90% प्रजाति धरती से खत्म हो गई थी, और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उसमें सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिसका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण ये था कि उस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे। इस मास एक्सटिंक्शन की घटना को क्रेटेशियस पलियोजीन एक्सटिंक्शन इवेंट के नाम से जाना जाता है। इस भयानक तबाही